इस गाड़ी को खरीदना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव बन जाता है, क्योंकि भाई आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं अगर आप डार्क एडिशन लेते हो। तो ये टोटली भाई आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों को पसंद होता है ब्लैक कलर तो वो इसकी तरफ जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता तो फिर भाई वो नॉर्मल वाले ही अपना वेरिएंट उठा लेता है। बाकी अगर डार्क वेरिएंट की बात करें तो भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार से यहाँ पर लुक मिलती है, डार्क की बैचिंग इधर देखने के लिए मिल जाती है और काफ़ी अच्छा सा कलर लगता है। अंदर से लेकर बाहर तक हर जगह पर ब्लैक ही दिखती है, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे देख के कि भाई मतलब छत वगैरह ब्लैक मिलती है। दिखाऊंगा हर एक चीज़ आपको। और अगर कीमत की बात करें तो भाई 9,00,000 रुपये एक शोरूम आपको इस वाली गाड़ी की कीमत पड़ती है, एग्जेट प्लस डार्क एडिशन। जो टॉप एंड वेरिएंट है बिल्कुल इससे ऊपर कुछ नहीं आता, एग्जेट प्लस इसका टॉप है, लेकिन अगर डार्क एडिशन लेते हैं तो भाई आपका बिल्कुल ही टॉप हो जाता है, फिर इससे ऊपर कुछ नहीं आता। अगर फ्रंट से बात करें तो यहाँ पर आपको भाई इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलता है, साथ में अपने भाई यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है, और साथ ही नीचे यहाँ पर आपको भाई DRL भी प्रोवाइड करे जाते हैं और इंटीग्रेटेड इंडिकेटर भाई अपने हेडलैम्प की यूनिट में मिल जाता है। यहाँ पर आपको भाई ब्लैक क्रोम मिलता है। बाकी अगर नॉर्मल क्रोम की बात करें तो बहुत ही कम यूज़ है गाड़ी में, ग्रिल वगैरह ब्लैक मिलती है, लोगों यहाँ पर सिल्वर क्रोम में मिल जाता है। बाकी नीचे अगर बात करें ये यहाँ पर स्ट्रिप मिलती है भाई नॉर्मल क्रोम की, तो ये एक चीज़ है। बाकी ज़्यादातर गाड़ी में आपको ब्लैक ही थीम पूरा देखने के लिए मिलता है। सो ऑल दोज पीपल हु लव ब्लैक कलर दे विल डेफिनेटली गोना लव इट। और यहाँ पर आपको डार्क का बैच देखने के लिए मिलता है, #dark अच्छा लगता है देखने में। ये भी इधर की अगर बात करें यहाँ पर आपको भाई इसमें 16 इंच का टायर मिलता है विद ब्लैक क्रोम अलॉय व्हील, ठीक है। MRF का टायर यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है। अगर प्रोफाइलिंग की बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा 16 इंच का यहाँ पर टायर मिलता है, 195 इसकी विड्थ है, और ये आपको पूरा ब्लैक मिलता है, कहीं भी इस पर सिल्वर वगैरह का कोई भी काम नहीं है, जेड ब्लैक बिल्कुल, ठीक है। अगर इधर की बात करें भाई ORVM पर इंडिकेटर नहीं मिलते, इंडिकेटर आपके नीचे प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। एज़ पर न्यू गवर्नमेंट रूल यहीं पर आने वाली गाड़ियों में सभी में यहीं पर मिलने वाला है, तो वो एक अलग चीज़ होगी। अगर पीछे से बात करें पीछे से देख लो मस्त लगती है। पहले चलते हैं गाड़ी में अंदर, कीलेस एंट्री वगैरह तो ये सारी बेसिक चीज़ तो मिलती है भाई। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तक मिल जाता है, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर यहाँ की बात करें भाई ब्लैक डोर मिलता है फुल्ली, यहाँ पर भैया पावर विंडो कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, ठीक है। अपने ORVM पे आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक से यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, मस्त है बिल्कुल। ट्विटर वगैरह भी भाई इस गाड़ी में चार देखने के लिए मिलते हैं, उनकी भी बात करेंगे। नीचे अपने भाई बोतल होल्डर वगैरह भी इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है, बढ़िया स्पीकर वगैरह। अगर इधर की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको भाई लेदराइट सीट के साथ साथ हाइट एडजस्टमेंट भी सीट में देखने के लिए मिल जाता है, तो ये भी एक बेहतर चीज़ कहीं ना कहीं मिल जाती है। यहाँ पर सीट वगैरह की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और #dark तो आपको भाई यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो आपको ये महसूस कराएगा, फील कराएगा कि आप डार्क एडिशन में बैठे हो। अगर इधर की बात करें यहाँ पर आपको ब्लैक क्रोम में यहाँ पर भाई AC वेंट देखने के लिए मिलता है, बहुत ही शानदार इंटीरियर अल्ट्रोज का हमेशा से आता है भाई। और इधर की बात करें यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, पुश स्टार्ट बटन वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्पेस मिलता है अपना वॉलेट वगैरह रखने के लिए, बाकी आप इसे यहाँ पर हुड वगैरह ओपन कर सकते हो, लीवर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक ऑप्शन भी इस वाले वेरिएंट में, मतलब इस वाले नहीं अल्ट्रोज में मिल जाता है आपको कई सारे वेरिएंट्स में, ठीक है। और अपने डीजल पेट्रोल दोनों में गाड़ी आती है, आपको पता होगा नॉर्मल दो तरह के इंजन आते हैं, एक आपका नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता है, दूसरा आपका टर्बो इंजन भी प्रोवाइड गाड़ी में करा जाता है। मतलब बेसिकली 3 इंजन हो गए, 2 पेट्रोल में और 1 डीजल में। डीजल में 1500 cc का इंजन आता है, छत वगैरह सब चीज़ ब्लैक है भाई, ऑल ब्लैक आपको यहाँ पर फील आती है गाड़ी में बैठकर, हर एक चीज़ ब्लैक मिलती है, सनग्लास होल्डर वगैरह भी यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको LED लाइट भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अगर लेंथ वेंथ की बात करें तो भाई सब 4 मीटर के अंदर आपकी गाड़ी आती है, 3990 mm इसकी लेंथ है। बाकी एक्जैक्टली ये मान लो कि भाई बेलिनो के जितने इसके डायमेंशंस हैं, इंटीरियर वगैरह मस्त देखने में लगता है। अब बात करते हैं स्टेयरिंग की, यहाँ की अगर बात करें भाई सबसे पहले तो आपको दिख जाता है यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, बाकी आपके कॉल वगैरह के कंट्रोल भी इधर ही देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अपने शानदार सी लुक आती है, ब्लैक है, लेदर स्टेयरिंग है, बीच में टाटा का लोगो, यहाँ पर भाई स्टैंडर्ड एयरबैग भी आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं, वही आपके दो। इधर की बात करें यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी में मिल जाता है, डी कट स्टेयरिंग यहाँ पर मिलता है, और लेदर रैप्ड है, और भाई ब्लैक क्रोम का थोड़ा बहुत स्टेयरिंग पर काम है, काफ़ी स्मूथ स्टेयरिंग है यहाँ पर, आपको दिख ही रहा होगा। जैसे हम इधर आते हैं यहाँ पर आपको भाई डिजिटल MID देखने को मिलता है, इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तक फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब हर एक चीज़ आपको मिलती है, AAA, AAA, ठीक है, डिस्टेंस टू MT, रेंज वगैरह सभी चीज़ दिखाता है। इधर की अगर बात करें यहाँ पर आपको भाई 7-inch टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है हरमन का, बहुत ही अच्छा, जो आपके XM+ से स्टार्ट हो जाता है, सेम वही है लगभग ये देखने में। साथ में आपके 4 स्पीकर और 4 ट्विटर भी प्रोवाइड करे जाते हैं भाई, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीज़ मिलती है। बीच में यहाँ पर 1000 लाइट मिल जाती है, और अपने यहाँ पर देखो ये भी ब्लैक क्रोम सेम ही आपका देखने के मिलता है, अंदर पूरा ब्लैक थीम है, ये भी आपको ब्लैक क्रोम में ऑल्ट्रोज यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। और जैसे यहाँ पर हम नीचे आते हैं भाई, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC प्रोवाइड करा जाता है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, ठीक है, ऑटोमेटिक AC यार टॉप एंड वेरिएंट में होना ही चाहिए, तो यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन ये पैनल काफ़ी मस्ता लगता है देखने में, यहाँ पर देखो 12-volt socket नीचे मिल जाता है, और एक USB सॉकेट पोर्ट कह लो, सॉकेट कह लो, ये भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चाबी की बात करेंगे भाई, देखो चाबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गाड़ी की, दिखाऊंगा क्या सिस्टम है। एक चाबी भाई इस तरह की आपको स्मार्ट बैंड देखने के लिए मिलता है, स्मार्ट वेरिएबल की इसे नाम दिया भाई टाटा ने, ठीक है। आप इसे अगर आपके हाथ में पहन रखिए ना अपने, आपको चाबी की कैरी करने की जरूरत ही नहीं है, इसे पहन लो बस, आपके हाथ में चाबी है ही। फिर
कीलेस एंट्री है भाई, चाबी कहीं इंसर्ट करनी नहीं है तो जरूरत ही नहीं है फिर चाबी की, ठीक है। इधर आपको दूसरी वाली की इस तरह की देखने को मिलती है, नॉर्मल जो आपकी टाटा की सभी गाड़ियों में देखने के लिए मिलती है। इसमें चार बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और एक अपना बूट ओपन करने का। और चाबी भी यहाँ पर भाई ब्लैक क्रोम में देखने के लिए मिलते हैं, मस्त लगते हैं भी। और अगर इधर की बात करें, यहाँ पर आपको 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, यहाँ पर भाई इको का बटन देखने के लिए मिल जाता है, इसे दबाओ आपकी गाड़ी इको मोड पर लग जाएगी। यहाँ पर आपको भाई दो कप होल्डर मिलता है, बढ़िया पैनल साइड बीच में देखने के लिए मिलता है, और साथ ही यहाँ पर भाई आमरेस्ट वगैरह सभी चीज़ मिल जाती है। मस्त अपने यहाँ पर भाई आमरेस्ट मिल रहा है, इसे ऐसी ऊपर को मतलब आगे पीछे भी कर सकते हो आप इसे, और बाकी सही है, एडजस्टेबल है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर है ये। देखो साइज़ तो उतना नहीं मिलता, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूँ भाई, इसमें कोई भी लॉक वगैरह नहीं मिलता, यहाँ पर मैग्नेट ही मिलती है, ठीक है। इसी मैग्नेट पर आप इसे बंद करके एक बार दिखाता हूँ मैं, इसे नॉर्मल बंद करो, जैसे खींचना पड़ता है ऊपर को ये, तो इस तरह से खुल जाता है, लेकिन बढ़िया है। ये भी स्टिचिंग वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है भाई। ऑल्ट्रोज में आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन अलग से नहीं मिलता, पूरा पैनल ही आपको चेंज कराना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लेदरेट सीट मिल जाती है, तो ये भी भाई ब्लैक थीम में बहुत ही मस्ती देखने में लग रही है। और यहाँ पर भी वही डार्क की बैजिंग और अपना एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ की बात करें मैं एलईडी लाइट, इधर आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है, और इधर की अगर बात करें सनग्लास होल्डर, और इधर की साइड आपको भाई अपना टिकट होल्डर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आगे से हो गई, इंटीरियर तो प्रीमियम है ही। ये चीज़ देखो यार, ये ब्लैक क्रोम में बहुत ही मस्त लग रहा है। ग्लव बॉक्स भी आपको यहाँ पर कूल्ड देखने के लिए मिलता है, और साथ में अंदर ग्लव बॉक्स में तो कप होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी देखो आगे से ऑलमोस्ट हमने गाड़ी को कवर कर लिया, आप चलते हैं गाड़ी में पीछे, पीछे और दिखा देते हैं भाई क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ठीक है। और जैसे ही हम देखो पीछे जाते हैं ना, एक मैकेनिज्म जो स्टार्ट हुआ था छोटी गाड़ी में, तो भाई वो स्टार्टिंग में शेवरले बीट में देखने के लिए मिला था, फिर स्विफ्ट में आ गया और अब ऑल्ट्रोज में भी आ गया। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, डोर आपके ओपन होते हैं तो यहाँ से होते हैं, कोई भी भाई डोर हैंडल वगैरह बाहर की साइड नहीं मिलता। वही डार्क थीम आपके यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है भाई, पावर विंडो वगैरह सभी चीज़ मिल जाते हैं, और नीचे यहाँ पर बोतल होल्डर के साथ साथ यहाँ पर स्पीकर भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और सीट वगैरह भी काफ़ी कंफर्टेबल देखने में तो लग रही है, बैठ के एक बार देखते हैं भाई। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, यहाँ पर बीच में आपको भाई आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन उस पर कप होल्डर नहीं मिलते, ठीक है। अब एक बार बैठ के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई स्पेस वगैरह तो बहुत ही डिसेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पीछे की अगर बात करें यहाँ पर आपको भाई एसी इवेंट वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है भाई, एसी इवेंट मिल रहे हैं और अपना 12 वोल्ट सॉकेट भी एक यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है। तो भाई पीछे वालों का सफ़र भी आरामदायक होने वाला है, आराम से अपना चार्ज वगैरह कर सकते हैं, पॉकेट वगैरह मिल जाती हैं, और यहाँ पर आम रेस्ट तो भाई अच्छी फील देता है ये। अपना ऊपर हुड वगैरह ब्लैक मिलती है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हुक वगैरह मिल जाता है टांगने के लिए, ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें पीछे की साइड हो गई, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है, और स्पेस बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। वाइपर, वॉशर, डिफोकर सभी चीज़ यहाँ पर पीछे मिल जाती है, और ऊपर यहाँ पर भाई आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप भी देखने के लिए इधर मिल जाता है, ठीक है। टाटा का लोगो को छोड़कर बाकी सभी चीज़ आपको ब्लैक क्रोम में देखने के लिए मिलते हैं। ऑल्ट्रोज भी यहाँ पर भाई ब्लैक क्रोम में लिखा हुआ बहुत ही शानदार लगता है, देखो किस तरह का यहाँ पर होता है। और पीछे यहाँ पर कैमरा वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, और पार्किंग सेंसर तो भाई बेस मॉडल से आपको मिल जाते हैं, तो वो तो कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर आपको LED टेल लाइट मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, ऐसा लगता है थोड़ी ब्लैक आउट हो रखी हो, और काफ़ी अच्छी शेप भी यहाँ पर देखने को मिलती है। 37 लीटर का यहाँ पर भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करी जाती है गाड़ी में, और नीचे यहाँ पर आपको भाई इसमें रिफ्लेक्टर वगैरह भी प्रोवाइड करे जाते हैं, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं रात में, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी, और बाकी एक बार भाई बूट स्पेस वगैरह खोल के देख लेते हैं कितना बूट स्पेस मिलता है, कितने लीटर वीटर की बात करेंगे एक बार प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। पार्सल ट्रे मिल जाती है सबसे पहली चीज़, यहाँ पर अपना लैप मिल जाता है, ठीक है, और अपना भाई हुक भी मिल जाते हैं टांगने के। और अगर लीटर्स में बात करें बूट स्पेस की, तो 345 लीटर का यहाँ पर आपको भाई बूट स्पेस देखने को मिलता है। अपना किट वगैरह भी ये देखने के लिए मिल जाती है। स्पेयर व्हील की अगर बात करें वो भी आपका इधर की साइड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और किट भी आपको दो मिलते हैं, तो टायर किट मिलती है भाई, दूसरी आपको टूल किट वगैरह भी देखने के लिए मिल जाती है, इसे आप यहाँ पर रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी एक बार बंद करके मैं एक दो चीज़ें और आपको बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में। देखो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको 170 mm का लगभग ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिया जाता है गाड़ी में, बल्कि उससे भी थोड़ा कम ही मिलता है, 165 एग्जैक्ट अगर बात करूँ मैं, 165 मिलता है mm। देखो भाई पूरी तरह से हीट आपकी गाड़ी है, ग्लोबल एंड कैप में 5-star रेटिंग है। इस गाड़ी का शोरूम कीमत 9 लाख मैंने आपको बताई दिया। बाकी भाई ऑटो एक्सपो 2023 में इस गाड़ी के दो वेरिएंट लॉन्च करें, एक करा है ऑल्ट्रोज रेसर और दूसरा करा है भाई ऑल्ट्रोज ICNG, तो एक्सपेक्टेड है इस साल में लॉन्च हो जाएंगे। CNG में अगर गाड़ी आती है तो भाई बहुत ज़्यादा बिकने वाली है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर ही गाड़ी ने धमाल मचा रखा है। तो कैसी लगी गाड़ी यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और इतना टाइम निकालने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।